नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है, फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि हमारा जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो था वो नेगेटिव था, मार्केट ने उसको फॉलो किया। ओपन होने के बाद मार्केट लगभग 130 पॉइंट नीचे की तरफ आई, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक शानदार रिकवरी दिखाई, 22,500 की तरफ कूच किया और 22,500 के काफ़ी नज़दीक पहुंच गई मार्केट। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी लोग बोलेंगे कि मार्केट के बाद तो कोई भी बता सकता है, तो मैं पहले अपने ट्रेड आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या ट्रेड लिए, ताकि समझने में आसानी हो और मुझे भी समझाने में आसानी हो। तो दोस्तों, जो कल हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो नेगेटिव था, तो मार्केट जब ओपन हुई तो यहाँ पे 22,100 की कॉल राइटिंग शुरू की गई, तो मार्केट को वहाँ से नीचे लेके जाया गया। लेकिन 22,100 के जो कॉल राइटर्स थे उनको लगा कि वो ज़्यादा नीचे नहीं लेके जा पाएंगे मार्केट को। वहाँ पे जो फ्यूचर्स का मनी फ्लो है वो पॉजिटिव हो गया था और उसके बाद जो है मार्केट के अंदर 22,500 का पुट राइटिंग स्टार्ट हो गया। तो ये 22,500 पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है मार्केट का। तो यहाँ पे 22,500 का पुट राइटिंग शुरू हुआ, वहाँ से मार्केट के 250 पॉइंट ऊपर जाने की संभावना उस समय काफ़ी कम लग रही थी, लेकिन मनी फ्लो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था, कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव हो गया था इंट्राडे के अंदर। और यहाँ पे जो 22,100 के कॉल राइटर हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी थी और फ्यूचर्स का मनी फ्लो पॉजिटिव हो गया था। तो आज ऐसा लग रहा था कि 22,500 के पुट राइटर्स जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे, इनफैक्ट वो कामयाब हो भी गए, मार्केट को 22,500 के बिल्कुल नज़दीक लेके चले गए। तो दोस्तों, आज का दिन काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है पहले मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की गई, उसके बाद मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की गई, तो मनी फ्लो ने बेसिकली दोनों जो इंस्टेंसेस हैं या दोनों मूव्स को कैप्चर करने की कोशिश करी। तो मनी फ्लो ने एक्चुअली एक सही सिग्नल दिया। अब मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जो आपको अपना ट्रेड दिखाता हूँ वहाँ पे मैं बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ये प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा कि मैं बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर लेता हूँ। मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि मार्केट के बाद तो कोई भी बता देगा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर अपना एनालिसिस खुद करेंगे, अगर आप लर्निंग पे फोकस करेंगे, तो आप भी वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं मनी फ्लो की सहायता से मार्केट में क्या करने की कोशिश की जा रही है। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि किस समय क्या करने की कोशिश की जा रही थी। तो यहाँ पे मार्केट जो है दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट करा रही थी, लेकिन यहाँ पे 22,100 के कॉल राइटर्स एक्टिव थे और वो मार्केट को नीचे लेके भी गए। तो बेसिकली मार्केट जो है 22,250-60 तक जाने की यहाँ पे जो जाने के बाद बेसिकली यहाँ पे जो 22,100 के कॉल राइटर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी, लेकिन जब उन्होंने पोजीशन क्लोज की तो बेसिकली इस पर्टिकुलर जोन में जो मैंने आपको बताया कि फ्यूचर्स का मनी फ्लो पॉजिटिव हो गया, लॉन्ग पोजीशंस बननी शुरू हुई और 22,500 की पुट राइटिंग शुरू हुई। तो यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बहुत ज़बरदस्त अपमूव दिखाया और मैंने इस अपमूव पूरे अपमूव को बेसिकली कैप्चर करने की कोशिश करी, लेकिन जब मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना लिया बेसिकली इस जोन में 22,450 के आसपास, तो वहाँ पे ऐसा संकेत मिला कि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना कम है, 20-30 पॉइंट जा सकती है मार्केट ऊपर, लेकिन 22,500 के क्रॉस करने की संभावना कम लग रही थी क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग जो है ट्रिगर हुई। तो वहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट एक पूरा मूव कैप्चर करने की कोशिश की गई। तो दोस्तों, ऐसा सुनहरा मौका मार्केट बहुत कम देती है जहाँ पे एक 200-250 पॉइंट का मूव आए मार्केट में, वहाँ पे आप अगर उस मूव को कैप्चर कर पाएँ तो ये एक बहुत अच्छी बात है और वहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम कैश के मनी फ्लो की बात करें तो यहाँ पे DIIs FIIs के द्वारा यहाँ पे बाइंग की गई, दोनों ने मिला के लगभग जो है 5,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की। और जैसा कि मैंने आपको एनालिसिस के द्वारा समझाया, ये बाइंग जो शुरू की गई थी वो 22,250 के आसपास शुरू की गई थी, लेकिन इस बाइंग के बावजूद भी कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था और बिग प्लेयर्स तो एक्टिव थे लेकिन यहाँ पे कोई और प्लेयर है जो कि सेलिंग कर रहा है, तो कैश का मनी फ्लो अनफॉर्चुनेटली क्लोजिंग बेसिस पे नेगेटिव था। मार्केट को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में ICICI बैंक और TCS थे और नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में अदानी बंधु थे। तो यहाँ पे बेसिकली कॉल राइटर्स का स्टॉप लॉस हिट कराया गया और मार्केट के इतनी तेज़ी से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे D2C रेशो सजेस्ट कर रही है कि डेरिवेटिव्स मार्केट को कंट्रोल कर रहा था, उसके पीछे का कारण ये है कि कल जो है वो वीकली एक्सपायरी है, फ्राइडे को मार्केट में छुट्टी है, तो कल एक महत्वपूर्ण काम होगा कि एक्सपायरी के साथ साथ जो अगले हफ्ते की पोजीशंस हैं वो भी कल बनने की संभावना है। तो कल यहाँ पे आप अगर एनालिसिस अपना खुद करते हैं तो कल लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा दिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कल वीकली एक्सपायरी है इसके अलावा जो है फ्राइडे को क्योंकि छुट्टी है तो उम्मीद पूरी है कि कल ही यहाँ पे जो अगले हफ्ते की पोजीशंस बनेंगी। ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव था, फ्यूचर्स का मनी फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव था, 10,000 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस बनी। तो यहाँ पे जो सिंगापुर FIIs है उन्होंने पोजीशंस 22,250 के आसपास बनानी शुरू करी, फिलहाल सारी शॉर्ट पोजीशंस लॉस में है और लॉन्ग पोजीशन प्रॉफिट में है और एवरेज प्राइस आप यहां पे देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट हमें लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है, प्राइस इंक्रीज़ हुआ और यहां पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ। और कल यहां पे क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो नॉर्मली वहां पे अगर मार्केट एक यूनिडायरेक्शनल मूव दिखाती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा रूल्स के हिसाब से काम करता हूँ और मेरा रूल ये कहता है कि जो हमारा टारगेट, हमें एक टारगेट रखना चाहिए कि हम प्रैक्टिकली यहाँ पे कितना जो है प्रॉफिट ले सकते हैं। तो बेसिकली मेरे इस हफ्ते का टारगेट पूरा हो चुका है, तो लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच का मेरा टारगेट होता है तो वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। कल अगर कोई अच्छा सेटअप बना जहाँ पे एक रिलायबल सेटअप बना मनी फ्लो के हिसाब से तो कल मैं देखूंगा कि ट्रेडिंग करनी है नहीं करनी, नहीं तो मेरे लिए ये एक्सटेंडेड वीकेंड है क्योंकि ऑलरेडी मेरा टारगेट जो है यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे समरी के तौर पे अगर देखा जाए तो कैश का मनी फ्लो जो था वो नेगेटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव, फ्यूचर्स का मनी फ्लो पॉजिटिव, तो सरफेस मनी फ्लो अब ये एक पॉजिटिव बायस की तरफ इशारा कर रहा है। FIIs की बात की जाए, कैश में बाइंग, फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव, तो फिलहाल FIIs जिनका ओपिनियन एक वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा था लेकिन अब जो है वो एक स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है, तो मे बी मार्केट के अंदर अब वेस्टर्न FIIs की बजाय सिंगापुर FIIs ने कंट्रोल ले लिया, तो इस वजह से ये चेंज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया है, उम्मीद है आज की तरह मार्केट कल भी अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो करने की कोशिश करेगी। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं, किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पर आधारित है, सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम फिर मिलेंगे अगले मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें।